जी, वो एक बच्चा लड़का आया है, यंगस्टर है वो। उसका किसी के साथ कोई कोविड पेशेंट था, उसके साथ कांटेक्ट था वहाँ पे। तो उसको थोड़ा गले में खराश और फीवर करके वो डर के ट्रेन में पास लेके यहाँ आया है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने एम्बुलेंस वहीं तैनात कर दी थी, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, और उसको हमने आइसोलेशन में रात को ही जो है 10:30 बजे आइसोलेशन में वो आ गया था, और उसको आइसोलेशन में अलग रूम में रखा गया है। और सिस्टर से मेरी सुबह ही बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। उसके थोड़ा माइल्ड फीवर है और गले में उसके खराश हो रही है, थोड़ी खांसी है। तो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी गई है और आज उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और शाम को रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। COVID-19 में अभी हमारे पास 64 केसेस टोटल हुए हैं अभी तक। उनमें 27 केसेस एक्टिव हैं, 37 हमारे क्योर हो गए हैं। और उसमें हमने जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 2 माइग्रेंट भी हैं जो दिल्ली में टेस्ट करवा के आए थे, उनको भी हम यहाँ पे क्वारंटाइन रखा है उनको कोविड केयर सेंटर में 14 दिन के लिए। और एक तीन हमारे जो है होम क्वारंटाइन भी हैं, कोविड पेशेंट जो हैं जिनके कोमॉर्बिडिटी थी। और एक हमारे 75 ईयर्स के थे, एक लेडी थी, बच्ची थी छोटी 9 साल की, उसको रखा हुआ है। और एक हमारी लेडी है जिसका 6 महीने का बच्चा है जो कल पॉजिटिव आई है, उसको भी हम होम क्वारंटाइन किया है। उनका अलग कमरा डिफाइन किया गया है, एक बाथरूम अलग से किया गया है। और ये जो हमारे केसेस हैं इनको 14 दिन के लिए हम जो है रखेंगे और उसके बाद टेस्ट किया जाएगा इनका। क्योंकि हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है वो पुलिस के थ्रू भी और हमारे आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर्स के थ्रू भी, हमने जितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे पास आ रही है, हम चाहते हैं कि उनको टाइमली उनकी टेस्टिंग हो जाए ताकि जो भी पॉजिटिव केस है वो आगे कम्युनिटी स्प्रेड ना करें। और इसी वजह से हमारी सैम्पलिंग जो है वो बड़ी भी है, क्योंकि हमारे जब केसेस फील्ड में निकलेंगे तो जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ के सबके कॉन्टैक्ट्स, प्राइमरी कॉन्टैक्ट से हम पहले ले रहे हैं। अगर प्राइमरी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव आता है तब हम सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की सैम्पलिंग करेंगे। और अभी तक हमने 4870 सैंपल हो गए हैं हमारे, और 204 की जो है रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगी।